अच्छा सुशील पाजी, इतना पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, ऐसे हमने सुना है, कहते कि आप जब शादी नहीं हुई थी तब आपके पास मोबाइल नहीं रहता था, सही बात है ये? तो शादी के बाद क्या जरूरत हमारे पड़ी? हमारे अखाड़ों में ना बड़ा एक पुराना सिस्टम चला हुआ है, तो ये जो हमारे गुरु होते हैं वो बड़ा सिस्टम से एक पहलवान को रखते हैं, जैसे बाहर नहीं जाना, उसको मोबाइल नहीं रखना है, ये चीज़ नहीं देखनी है, बाहर ट्रेनिंग करी तो पूरा प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए, तो एक सिस्टम था, उस सिस्टम के तहत हम भी काम कर रहे थे उसमें, तो मोबाइल नहीं रहता था, मगर शादी के बाद तो फिर परमिशन मिल जाती है ना। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि शादी के बाद अलाउड कर देते हैं, तो शादी के पहले भी तो फैमिली होती है, माँ बाप होते हैं, तो मतलब उनकी परवाह नहीं, माँ बाप खुद ही आ जाते हैं ना अखाड़े में, तो अखाड़ों में आजकल जैसे आजकल तो आने लग गया, अब ये दंगल फिल्म देखी आपने तो उसमें लड़कियों को भी अलाउड पहले नहीं होता था, आजकल बहुत प्रमोट कर रहे हैं, लड़कियों को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, आज हम कहें कि आज अंडर 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ तो हमारी जो बच्चियां हैं उन्होंने हमारे देश की नाक रखी, 2 मेडल उन्होंने ही दिलवाए, क्या बात। तो आज हम कह सकते हैं कि बच्चियां भी अखाड़े में उतर गई हैं और वो कुश्ती के माध्यम से देश की सेवा कर रहे हैं, क्या बात, बहुत अच्छी बात है ये। बच्चों आपसे मेरी पहली बार मुलाकात हो रही है, आपको कब से शौक पड़ा था फुटबॉल का? बचपन से ही पढ़ा था, बिकॉज मैं जहाँ से आता हूँ सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट में आई थिंक फुटबॉल छोड़ के और कोई गेम खेलता ही नहीं था उस समय, अभी भी ज़्यादा करके खेलता ही नहीं है जी। सो आई थिंक जो इन्वायरमेंट था फुटबॉल का नॉर्थ ईस्ट में अभी भी है, और पहले जो हम लोग का समय में तो एक ही स्पॉट खेलता था, तो एटमोसफेयर इन्वायरमेंट भी जहाँ कोई भी गाँव गया, कोई भी स्कूल गया, कोई भी एरिया गया, खाली फुटबॉल ही खेलता था जी। आई थिंक दैट वो आई थिंक दैट इन्वायरमेंट रियली उसके चलते मैं भी वो स्पोर्ट को पिकअप किया हूँ। पर कमाल का पिकअप किया आपने और बहुत अपना नाम बनाया और देश का नाम भी रोशन किया। बचपन में जब आप आपस में रेसलिंग करते थे तो घर वालों को पता कैसे चलता था कि ये प्रैक्टिस करने के लड़ रहे हैं? हमारे जो घर में था बड़ा कुश्ती का माहौल था जी, मेरे दादाजी ने भी रेसलिंग की, मेरे पिताजी ने भी रेसलिंग की, मेरा बड़ा भाई था वो भी इंटरनेशनल रेसलर रहा, तो मेरे को तो उनको देख के शौक लग गया कि यार अच्छा मजा आ रखा है, अच्छा खाने को मिलता है, अच्छी सपोर्ट मिलती है, तो इस चक्कर में रेसलिंग में मैं घुस गया और बड़ा अपने आप को भाग्यशाली मैं मानता हूँ कि अच्छे गुरु मेरे को मिले, अच्छे साथी मेरे को मिले, अच्छे माता पिता ने बहुत सपोर्ट किया, भाइयों ने सपोर्ट किया, दोस्तों ने सपोर्ट किया, और मालिक की दया से हर एक वो मेडल जीता जिसकी कभी जीवन में सोची भी नहीं थी। मैं 2010 में हमारे देश में एक ही बेल्ट है सर वो जो वर्ल्ड चैंपियन कहा जाता है, तो हम कई बार कुश्ती हार कर ये बैठ के देखते थे कि यार पता नहीं हमारे देश में ये बेल्ट कब आएगी, तो वो सब सौभाग्य भी मेरे को मिला कि वो बेल्ट भी मेरे को मिली, तो हर चीज़ कुश्ती ने मेरे को दी है। कभी भी घर वाले तो बहुत मजा करते थे कि हाँ ये लड़े और लड़े टूटे टूटे जब भी पहलवान बन गए। अच्छा आप सब लोग एक दूसरे को तो ऑब्वियसली सबको जानते ही होंगे, पर आप पहले कभी मिले थे आपस में, एक दूसरे को जानते थे आप? हैं? आप जानते थे सुशील? आप अंजू जी को मिले? मैं जानता था अंजू जी को। ये अभी बोलेगा। वो तो इंग्लिश बड़ी बोलती है। ये अभी बोलेगा। मेरे बचपन से उसके बचपन से मुझे मालूम है। ऐसे बोलेगा? उसी टाइम आप बेड़ी क्या? हाँ। बेड़ा था। हाँ बड़ा अंजू ने मेरे ख्याल से है ना वर्ल्ड में पहली एथलीट होगी आप उस टाइम पे जब आपने मेडल जीता वर्ल्ड का, एथेंस ओलंपिक की बात है। एथेंस ओलंपिक के लिए इन्होंने मेडल भी जीता था और बड़ा इनकी चर्चा थी कि ओलंपिक मेडल जीतेंगे, तो मेरे ख्याल से जो कोच साहब थे आपके जो हस्बैंड हैं वो भी जब भी ये जैसे खाना खाने के लिए आते थे तो एथलीट की जो है ना चाल भी थोड़ी सी हो जाती ताकतवर, ऐसे ऐसे चलते हो, तो कभी भी ये दोनों आते थे तो हम सब लोग साइड में हो जाते थे पहलवान होने के बाद भी। अच्छा। क्योंकि इतना मतलब सीखने को भी मिलता था और हमारा भी टारगेट ये था कि हाँ जिस तरीके से इन्होंने मेडल जीता लोग इतना प्यार करते हैं, इतना पसंद करते हैं, इतनी सपोर्ट देते हैं, मैच में भी अलग से खाना मेरे ख्याल से मिलता था आप लोगों को, अलग टेबल होती थी कि अंजू की टेबल है। अच्छा। उसमें कोई नहीं बैठेगा जो मेडल जीत गया उसको ज्यादा अच्छा खाना। हाँ वो बहुत बहुत वो मिलता था उसको कि हाँ भाई इसलिए तो, कर दिया अगले साल। जब मेरे को पूरा अब तक ध्यान है वो चीजें कि यार देखो इस तरीके से खाना खाना, इस तरीके से बैठ के खाना खाना, जिस तरीके से अंजू खा रहा। मिशन 11 जो प्रोग्राम है जी, जो अंडर 17 वर्ल्ड कप के लिए हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम ऊर्जा के साथ जो टूर्नामेंट के साथ साथ हम लोग मिशन 11 भी हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि 11 मिलियन बच्चे लोग को हम छुए अक्टूबर वर्ल्ड कप के आगे, ताकि 11 मिलियन बच्चे लोग फुटबॉल के साथ जुड़े हो और खेला हुआ है, तो इस ये स्कीम में काफ़ी सारा फुटबॉल्स और बच्चे लोग को लेके आके फुटबॉल खिलाना हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा मिशन है ये, एवरेस्ट पे जाके उधर नेटवर्क तो नहीं आता होगा?
मोबाइल का? आजकल सैटेलाइट फोन है, मतलब बीवी का फोन उधर भी आ सकता है। तो फिर क्या फायदा एवरेस्ट पे चढ़ने का, वहां पे पूछ लेंगे कहां हो। इसलिए पूछा था मैंने, कहा लवराज जी एक बार तो चलो एक आदमी की होती है कोशिश कि मैं जाऊं, एक सपना है, दो बार चार बार छह बार, मुझे लगा कि हो सकता है कि घर में कहीं कभी होता ना कि बीवी से खटपट होगी तो चलो यार एवरेस्ट पे चलते हैं यार। एक्चुअली मेरी वाइफ भी माउंटेनियर है। फिर तो आप भाग ही नहीं सकते। और वो फर्स्ट इंडियन लेडी है जो 900 किलोमीटर इसकी करके साउथ पोल पहुंची थी। क्या बात है। अंजू खुद कस्टम में है भाजी। अंजू जब आप विदेश से खेल के आती हैं तो आपको ड्यूटी देनी पड़ती है कि स्टाफ बोल के निकल जाती हैं? स्टाफ बोले वो नहीं छोड़ेंगे हमको, मैं भी ड्यूटी का दिया एक बार। अच्छा, बराबर। मैं आई लव कस्टम डिपार्टमेंट, मतलब घर वाले एयरपोर्ट के बाहर खड़े होते हैं, ये बिल्कुल ही बेल्ट के पास खड़े होते हैं, आ गए क्या क्या लाए बैचुम। जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में जिसकी तरफ बॉल जाती है अगर शॉट इस तरफ लगा तो उस तरफ वाला प्लेयर भागता है, फुटबॉल में सारे भागते रहते हैं, बड़ा थकावट भी होती है, बड़ा स्टेमिना बड़ा होना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट की तरफ से मेहनत भत्ता अलग से मिलना चाहिए फुटबॉलर्स को कि पूरी गेम में लगातार पूरा टाइम भागना पड़ता है? डेफिनेटली जिस तरीके से भागना पड़ता है उस हिसाब से मुझे लगता है सैलरी भी मिलना चाहिए लगता है, क्योंकि फुटबॉलर्स लोग जब 90 मिनट्स खेलने के बाद एटलीस्ट 14 किलोमीटर्स करता है ये रन एवरेज फुटबॉलर, तो मुझे लगता है शायद सैलरी वाइज नेक्स्ट टाइम से गवर्नमेंट सरकार को रखना चाहिए जो ज़्यादा भागता है सैलरी ज़्यादा मिलना चाहिए। अंजू के हस्बैंड जो है इनके कोच हैं। अच्छा, ऐसे बहुत सारी स्पोर्ट्स में होता है कि जो फीमेल प्लेयर्स हैं उनके कोच मेल होते हैं, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई मेल प्लेयर है तो उसकी कोच फीमेल हो। आपकी कभी महिला कोच रही है बाजी क्रिकेट में? होती तो आप आज तक खेलते रहते हैं। तो मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं अंजू, व्हाई दिस रेसिज्म विद द मेल प्लेयर, ऐसा क्यों नहीं होता है? आई थिंक इफ समबडी कम्स फर्स्ट थिंग दे वांट ओबे, इफ ही सेज समथिंग You will do whatever you want, but you. आप मानोगे नहीं? Yeah. लेकिन then how we can then how we can train them? लेकिन एक बात है, जब आदमी घरवाली की सब कुछ मानता है तो वो फीमेल कोच की क्यों नहीं मानेगा भैया? लवराज जी एक बात पूछनी थी आपसे, आपका नाम ही लव है, तो जाहिर सी बात है महिलाएं आपको लव क्या की बुलाती होंगी, तो वाइफ को गुस्सा नहीं आता? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हालांकि इतनी बर्फ होती है, इतना ठंडा माहौल होता है। मैं इसलिए सर ऐसी बात है कि आप बिकॉज फोर्स से हैं, बीएसएफ से हैं, तो मुझे ये होता है कि हमारे जितने भी सैनिक हैं, हमारे सोल्जर्स हैं, आप लोगों के बहुत तनाव भी रहता है, आप लोग किन हालातों में ड्यूटी करते हो, बिकॉज मेरे फादर पुलिस में थे तो मैं इस चीज़ को मैंने शायद बहुत करीब से देखा है, क्योंकि बड़ी थैंकलेस जॉब होती है और ज़्यादातर लोग नाराज ही रहते हैं कि अच्छा फलाने पुलिस वाले ने हमें यहाँ से डांट दिया, ये कह दिया, वो कह दिया, लेकिन वो किन हालातों में काम करते हैं ये कोई नहीं देखता है। सो आप सबको सल्यूट है, बहुत मुश्किल हालातों में काम करते हैं और हमारी ईश्वर से कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और अगर हमारी वजह से आपके चेहरे पर मुस्कान आती है तो हमें लगेगा कि हम लोग हमारा जीवन सफल हो गया। थैंक यू सो मच हमारे शो में। ये सवाल मेरा आपसे भी है, सिद्धू भाजी से भी है, घर में जब आदमी रहता है वैसे ही बोलने से डरता है, तो क्या यही कारण तो नहीं है कि आप साथ में क्रिकेट कमेंट्री भी कर लेते हैं, आप साथ में फिल्में भी कर लेते हैं कि चलो कहीं पे तो बोलने का मौका मिले? क्या रीजन है? बोलने का मौका तो सर बोल लेना चाहिए मैं समझता हूँ, और बोल के फिर हटना नहीं चाहिए, ये तो कमाल की बात, डटे रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो तुम्हें एक बात बताऊं, पॉलिटिक्स से बड़ी चुनौती दुनिया में कोई नहीं है, अगर आपका धंधा ना हो, प्रोफेशन ना हो और मिशन हो। yeah. देखो अगर आप मिशन लेके चलोगे पॉलिटिक्स में तो फिर आपके पास एक ऐसा मौका है कि आप दुनिया को तब्दील कर सकते हो, लोगों की जिंदगियों को तब्दील कर सकते हो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
Click the show links and enjoy watching the videos.